तो हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर प्रोब के बारे में। तो इससे स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ एन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज बिंग लेबल्ड विच इज लेबल्ड एंड यूज टू डिटेक्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, तो इसको समझने से पहले मान लीजिए कि सपोज यू हैव एन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। आपने क्या किया, आपके पास एक जीनोमिक लाइब्रेरी, सपोज यू हैव अ जीनोमिक लाइब्रेरी। इन द जीनोमिक लाइब्रेरी यू वांट टू सर्च, क्या करना है, यू वांट टू सर्च एन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल उसका सीक्वेंस है ए टी जी सी टी ए जी सी ए टी। ये सीक्वेंस आप क्या है, ये आपकी क्वेरी है। मैंने क्या बोल दिया, दिस इज योर क्वेरी, यू वांट टू फाइंड इट आउट कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। तो इस क्वेरी के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एन प्रोब। क्या चाहिए हमें, प्रोब। अब प्रोब क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट इज टी ए सी जी ए टी सी जी टी ए, ठीक है। तो ये बन गया इसका सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब लेबल्ड की बात करेंगे, लेबलिंग क्या है, लेबलिंग दो टाइप्स में होगी इसमें, है ना। लेबलिंग होगी इसकी दो तरह से, या तो मतलब ऑप्शन है, या तो आप लीजिए नॉन रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड। सेकंड होगा कि आप लीजिए रेडियो लेबल्ड। रेडियो लेबल समझते हो ना, कि रेडियो लेबल मीन्स P32, S35, ओके। एंड नॉन रेडियो लेबल्स मीन वी यूज सम एंजाइम्स फॉर द डिटेक्शन। तो डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। तो व्हाट वी हैव डन, सपोज कि दिस एडेनिन, दिस एंड से इन द प्रोब हियर इट इज P32 लेबल्ड, कि दिस प्रोब इज P32 लेबल एट द एंड। ओके, सो दिस इज योर 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड। ओके ओके जी, अब क्या करना है कि हाउ टू प्रोसीड, कि हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज जो है हमारे पास, ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं, जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स का क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट हैव टू फिक्स इट इन ए नाइलॉन मेम्ब्रेन और सम सपोर्टिंग मेम्ब्रेन। क्या करेंगे, सपोज मैंने बोला कि आई फिक्स इन नाइलॉन मेम्ब्रेन, सो दीज आर द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर फिक्स्ड इन अ नाइलॉन मेम्ब्रेन। ओके जी, तो ये क्या किया हमने, ये हमने फिक्स कर दिया, सपोज फिक्सिंग। सो फ्रेगमेंट्स आर फिक्स्ड, देन ऑल्सो सपोज इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, नाउ इट इज अ डबल स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल। Now, then we have to denature it. Denaturation to convert double stranded DNA into single stranded molecule. Now, see, when you go for denaturation, so here is a single stranded DNA will be there. And that to done in a some kind of buffer. Okay, so now next is hybridization. क्या करेंगे next हम, hybridization. Hybridization mean के this strands, these nylon membrane with the DNA sequence will be fluided, है ना, with the probe. तो ये क्या किया आपने, you have fluided with that of प्रोब, और द प्रोब के हमारी लेबल्ड है। अब जब आपने इसको फ्लोड किया, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोब्स लगा दी। अब नाउ, अब ये जो प्रोब्स हैं, इन प्रोब का, है ना, द प्रोब्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है,
ये जो प्रूव है ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके पर्टिकुलर सीक्वेंस के। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने बोला कि ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था कि यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था जिससे इसने बॉन्ड बना ली। सपोज यहाँ पर भी ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था जिसने यहाँ पे इसको हाइब्रिडाइज कर लिया। ओके सो सपोज अनदर वन हेयर दिस ऑल्सो गेट हाइब्रिडाइज। ओके सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन व्हाट वी विल हैव टू डू देन गो फॉर से वॉशिंग। इन द वॉशिंग What we have to do in case of washing the unhybridized probe है वो क्या हो जाएंगे remove। okay समझे मेरी बात। तो अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, चलो ये आपके पास क्या किया आपने इसको remove कर दिया, ठीक है जी, आपने washing करी। तो अब देखिए अब क्या था कि तो मान लो कि हमारे पास एक दो तीन है। okay so here we have one टू एंड थर्ड वन, जस्ट सपोज दिस इज ओके, सो ओनली थ्री फ्रेगमेंट्स दैट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद विल बी विद द जीनोपरम, बाकी क्या हो गया, बाकी सारे वॉश आउट हो गए। ओके नाउ देन विल गो फॉर डिटेक्शन, अब डिटेक्शन के क्या है, अगर इफ इट इज रेडियो लेबल्ड, then the strategy will be different. If it is non-radiolabeled, then the strategy will be different. Okay. Now, suppose कि it is, मान लो कि जैसे हमने बोला भी कि it is P32 labeled. यहाँ पे क्या हमने बोला P32 labeled, मतलब ये radio labeled है. Now, what you have to do? You have to take the nylon membrane. ठीक है जी? This is a nylon membrane. And here, mean the membrane in which it is fixed. So I'll just represent only the strand, say that is hybridized. ये था हमारा एक hybridized, तीन fragments मिले थे हमें, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी मान लो कि थोड़े बहुत ये हैं जो कि unhybridized थे, clear? अब क्या करेंगे, अभी P32 से labeled है। Now what we'll do, we'll go for the X-ray. X-ray, आप X-ray को exposure कराइए। ओके और इसके जो बेसमेंट में मतलब यहाँ पे नायलॉन मेम्ब्रेन के यहाँ पे क्या रखेंगे आप एक्सरे फिल्म। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है वहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा एटलीस्ट कुछ स्पॉट्स मिल जाएंगे आपको। ओके तो आप बोल सकते हो ओके सो बाय चेकिंग के वेयर दीज हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस एंड दिस फॉर्मिंग अ सम काइंड ऑफ स्पॉट दैट यू कैन से के हेयर इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका जीन आप पता करना चाह रहे थे वो प्रेजेंट है और इस एरिया से मतलब क्योंकि ये बिल्कुल इसकी फोटो एकदम सिमिलर है तो आप क्या कर सकते हो ये एरिया आप चूज करो और यहाँ से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लो। ओके जी तो ये तो बात थी रेडियो लेबल्ड की। ओके तो अब बात करेंगे नॉन रेडियो लेबल्ड के बारे में, लेबल्ड डीएनए प्रोब। अब जो नॉन रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब है आपकी, मतलब कि वहां पे क्या क्या है कि आपको कोई रेडियो लेबल्ड कंपाउंड नहीं यूज करना है, ठीक है जी। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे नॉन रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो इसमें हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि वन से लेबल, लेबलिंग मॉलिक्यूल, देन देयर विल बी सम से यू कैन से सम प्रोटीन, देन थर्ड थिंग विल डिस्कस अबाउट सम एंजाइम्स। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे। अब देखिए ये मान लीजिए आपका है कोई सीक्वेंस, ठीक है जी, जिसको आप क्या बनाना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू मेक इट एज अ प्रोब। ओके ये क्या है कि आप इसका ये लीजिए कि सीक्वेंस है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे एक यहाँ पे एक स्पेस, मतलब देयर शुड बी अ कार्बन चेन यहाँ पे, क्योंकि कार्बन चेन है दैट इज 5 to around 10 आप ले सकते हैं कि इतने कार्बन्स हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन एंड दैट टू बी लिंक्ड विद दैट सम कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके कोवलेंट बॉन्डिंग विल बी देयर and then this will be attached
अब जो ये है हमने किससे अटैच किया, लाइगेंड से, लेबल से, ठीक है जी। ये आपका है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हमने किया कुछ स्पेसर लगाया, देन वी हैव एड सम कंपाउंड दैट इज योर लेबल। अब जो इसमें मेन कंपाउंड हम लेते हैं लेबल के तौर पे, मेनली हम थ्री चीज हैं, थ्री थिंग्स आर देयर, मतलब तीन हैं जो हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं बायोटिन के बारे में, देन फ्लोरोसिन, देन द नेक्स्ट हमारा पास आता है डाइगोक्सीजिनिन। ओके, सो दीज आर द थ्री दैट वी कैन यूज टू लेबल। अब बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन मतलब कि ये जो है क्या है, ये मस्ट दे देर मस्ट बी स्पेसिफिक प्रोटीन विच हैव हाई एफिनिटी फॉर दी लेबल। यहाँ पे जो लेबल है ना, जिसको लेबल मैं बोल रहा हूँ, लेबल मतलब ये चीज, ठीक है। यहाँ पे लेबल मैंने बोला क्या चीज़ है, बायोटिन, देन सेकेंड मैंने बोला कि जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं फ्लोरोसिन, थर्ड मैंने बोला दैट इज डाइगोक्सीजिनिन। ओके, तो ये जो है ये तीन चीजें हैं। अब बात करेंगे एंजाइम के बारे में, इसकी एफिनिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसकी एफिनिटी है फॉर दी प्रोटीन। अब देखिए लेबल्ड, जो लेबल है ये तीन मैंने लिया, ठीक है जी। इसकी किसी प्रोटीन के साथ क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी एफिनिटी इसके लिए, इसकी एफिनिटी इसके लिए, कि द प्रोटीन हैज एफिनिटी फॉर द लेबल एंड दिस एंजाइम हैज एफिनिटी फॉर दिस प्रोटीन। अब समझते हैं करना क्या। मैंने बोला प्रोटीन, मान लीजिए ये आपका प्रोटीन, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट एज स्ट्रिप्टाविडिन, स्ट्रिप्टाविडिन प्रोटीन लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें एम्बेडेड किया और कॉन्जुगेट किया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव कॉन्जुगेटेड द एंजाइम। मान लो मैंने एंजाइम किया यहां पे एल्केलाइन फॉस्फेटेज, क्या एंजाइम लिया मैंने, आई हैव टेकन द एंजाइम दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेस। अब देखिए यह है प्रोटीन स्ट्रिप्टाविडिन, इसके साथ में हम कॉन्जुगेट कराया एंजाइम दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अब करना क्या है, अब समझते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार पे, कि जैसे ये आपकी है नाइलोन मेम्ब्रेन जिसमें आपने फिक्स किए हुए हैं DNA, so here is a single stranded DNA. Now you go for the hybridization. किससे हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, ये प्रोब पे जिसपे क्या है लेबल हो रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोब थी जिसमें आपने लेबल किया हुआ, ठीक है, आपने क्या किया है इसको हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो कि ये भी आपने प्रोब डाला, ये भी आपने प्रोब डाला, ये भी आपने प्रोब डाला। अब इसमें क्या हुआ कि मान लो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये इसकी इसकी एफिनिटी थी, कॉम्प्लीमेंट्री था इसका, तो इसके बाइंड कर गया, क्या कर गया बाइंड। फिर हम क्या करेंगे, वॉशिंग कर देंगे। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या बोला मैंने कि वॉशिंग, टू रिमूव एनी अनबाउंडेड प्रोब। तो उसके बाद हमारा उस पैटर्न क्या निकला, ये वाला कि हेयर, सॉरी सो दिस इज योर लेबल। तो यहां पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करके। अब क्या करना है हमें, इसको डिटेक्ट
करना है। मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटेक्शन। अब डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, वी विल अगेन ऐड, क्या करेंगे हम, वी विल ऐड द व्हाट, द प्रोटीन विच इज बीइंग कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम। ठीक है, अब जब आपने ऐड किया प्रोटीन विद कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ओके, तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो आप करोगे, आप सिंपल हम एक ही दिखाएंगे सिंपल, ठीक है जी। अब देखो ये लेबल की एफिनिटी किसके लिए है, फॉर द प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या अटैच है आपका, एंजाइम। ठीक है, बाकी यहां कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, बाकी जो आपके सीक्वेंस थे वो कि ऐसे रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड सीक्वेंस। अब क्या करेंगे कि एंजाइम था, एंजाइम, एंजाइम कौन सा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अभी जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट विल कन्वर्ट पी नाइट्रोफिनोल फॉस्फेट, मैं लिख देता हूं पी नाइट्रोफिनोल फॉस्फेट। अब मैंने आपको बताया कि फॉस्फेटेज का मतलब क्या होता है, कि वी रिमूव द फॉस्फेट, सो इट विल कन्वर्टेड, दिस एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू पी नाइट्रोफॉस्फेट, पी नाइट्रोफॉस्फेट, सॉरी पी नाइट्रोफिनोल, नॉट द फॉस्फेट, फॉस्फेट तो रिमूव हो गया, तो and that is yellow in color, so here a yellow color will be formed, समझ रहे हो आप, कि यहां पे कौन सा कलर आ जाएगा, यहां पे येलो कलर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है आपको कि पहले हमने क्या किया, वी हैव टेकन अर से, हमने क्या किया, एक मेम्ब्रेन थी उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे, फिर हमने प्रोब लगाई, हाइब्रिडाइज किया, कुछ जो प्रोब अनहाइब्रिडाइज मतलब जो रह गई वो क्या, वॉशिंग से क्या हुआ, उसको रिमूव कर दिया, ये सिंपल, ये रिमूव हो गई, सिंपल हमारे पास क्या रह गया, सिंपल हमारे पास सिंगल एक स्टैंड रह गया जो कि प्रोब से बाइंड किया था। अब उसके बाद आपने क्या किया, प्रोटीन जिसमें कॉन्जुगेटेड एंजाइम था, समझ रहे हो मेरी बात, प्रोटीन कॉन्जुगेटेड एंजाइम बाइंड हुआ, अब ये एंजाइम क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कौन सा एंजाइम है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये क्या करेगा, पी नाइट्रोफिनोल फॉस्फेट को पी नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट कर दिया, और जो कि येलो कलर का है, तो आपको पता लग जाएगा ना कि भैया यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पे सीक्वेंस था, सो इट इज शोइंग अ येलो कलर हियर, सो यू कैन जस्ट डिटेक्ट इट, ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूलेबल प्रोबिंग, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें हमें समझना है कि लेबल कौन सा यूज कर रहे हो, इस लेबल के लिए प्रोटीन, इस प्रोटीन में आप कॉन्जुगेट कराओ एंजाइम, इस एंजाइम का आपको चाहिए सबस्ट्रेट जो कि किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोडक्ट के दे कोई कलर जो कि कैन विजुलाइज इजिली, ओके, आई गेस के आपको समझ आएगा, गिव मी अ थम्स अप इफ यू गेट इट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कुछ अगर डाउट है आपका तो आप मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ ना उसमें हमें रेडियो लेबल प्रोब के बारे में बताएंगे और दो तीन मेथड हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम लेबलिंग कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द प्रोसीजर विच वी कैन यूज टू लेबल अ प्रोब, मीन एक सिंगल स्टैंड है इसको हमने कैसे लेबलिंग करनी है, चाहे P32 से करवा लो या फिर आप कोई प्रोटीन से करवा लो या फिर नॉन रेडियो मतलब इस तरह से करा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, थैंक यू सो मच।